good morning students now next topic of human reproduction is gametogenesis you know that male reproductive system produces sperms and the female reproductive system produce ovum so gametogenesis of two types spermatogenesis and oogenesis uh, first of all we will come to the spermatogenesis spermatogenesis is the formation of the male gametes by the male ma human beings male human beings it occurs at the stage of puberty and you know puberty is the stage when he, the reproductive uh, structures of the human beings male human beings become functional okay now we will come to the next that uh, in the male reproductive system testes are the main reproductive parts so testes i have told you about the testes testes have so many seminiferous tubules they have so many seminiferous tubules one two three four these are the seminiferous tubules ओके, सो द आउटर सेल्स ऑफ द सेवनी फेस्टिबल्स दे आर कार्ड द जर्म सेल्स बाहर वाले लिए जो उसको क्या बोलते हैं जर्म सेल्स बोलते हैं सो जर्म सेल्स दे आर आरसो कार्ड परमेटोगोनिया दे आर आरसो कार्ड परमेटोगोनिया देर आर सो मेनी स्पर्मेटोगोनिया सो नौ द परमेटोगोनिया दे अंडर गोमाइटोसिस देर गोमाइटोसिस एंड माइटोसिस एंड इंक्रीज दे नंबर ये प्राइम जर्म सेल्स हैं या इनको स्पर्मेटोगिया बोलते हैं इनका बार बार माइटोसिस होती है और इनका नंबर जो वो इंक्रीज हो जाता है एंड ई स्परमेटोगिया हैज स्परमेटोगियम हैज फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम सो वैन दे इंक्रीज लॉट ऑफ नंबर देन द सम ऑफ द स्परमेटोगिया सम ऑफ द प्राइमरी स्पर्मैटोनिया सम ऑफ द स्पर्मैटोगोनिया दे एक्ट एज ए प्रायमरी स्पर्मैटोगोनिया जैसे स्पोज करिए प्रायमरी स्परमेटोसाइट सॉरी दे एक्ट एज ए प्रायमरी स्पर्मेटोसाइट नो द प्राइमरी स्परमेटोसाइट अंडर गो मियोसिस फर्स ऑफ आल दे विल गो टू द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन देल गो टू द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड देल प्रोड्यूस द सकेंडरी स्परमेटोसाइट वैन दे विल प्रोड्यूस दंडीज परमेटोसाइट द सेंडिस परमेटोसाइट हैज ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोमस एक स्पर्मेटोगोनियम ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है दैट विल प्रोड्यूस द टू स्पर्मेटोसाइट्स

फॉर्मेट विल अंडरगोस ट्रांसफॉर्मेशन बट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मीन देयर स्ट्रक्चर विल चेंज देयर अपीरेंस विल चेंज सो स्पर्मेटिज विल चेंज इनटू स्पर्मेटोजोआ, जोआ स्पर्मेटिज विल चेंज इनटू स्पर्मेटोजोआ, जो यहां पर आप देखेंगे स्पर्मेट जो स्पर्मेटो जो में चेंज हो जाएंगे स्पर्मेटो जोआ जरा सोकाप सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटीज इंटू द स्पर्मेटोजोआ इज कल्ड स्पर्मियो जेनेसिस दैट इज कल्ड स्पर्मियो जेनासिस को क्या बोलते हैं स्पर्मियोजेसिस अब ये जो आपके स्पर्मेटो जोआ आ गई स्पर्मज आगे अब क्या होगा द हेड्स ऑफ द स्पर्मेटोजोआ देड ऑफ दिस परमेटोजोआ गेट्स एम्बेडिड इन द सर्टोली सेल्स गैस एम्बेडेड इन देख रहे हैं आप ये बहुत सारे यहाँ पे स्पर्मेटिड बन गए हैं आपके uh, स्पर्मेटोजोआ बन गए हैं स्पर्मेटोजो हेड जो वो सटोली सेल्स की तरफ को है स्पर्मेटोजोआ द गेट्स एम्बेडेड इन द सटोली सेल्स एंड सून दे आर रिलीज बाई देयर मेल एसेसरी ड्रग्स बाई देर मेलरी सो रिलीज ऑफ द स्परमेटोजोआ फ्रॉम द सेमनी फेस्टिव्यूल्स इज स्पर्मिएशन स्पर्मिएशन आपने तीन प्रोसेसिस यहाँ पे पढ़ी हैं एक प्रोसेस आपने पढ़ी स्पर्मैटोजिनासिस एक प्रोसेस आपने पढ़ी स्पर्मियोजिनासिस और एक प्रोसेस आपने पढ़ी स्पर्मि स्पर्मिएशन सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्मैटोजिनासिस स्पर्मेटोजिनासिज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स बाई द मेल इंडिविजुअल्स And what is the spermiogenesis? The formation of sperms. The formation of sperms or spermatozoa from the spermatids is called uh, spermiogenesis. And what is spermiation? Spermiation is a process of uh, release of sperms or the spermatozoa into the uh, female reproductive system uh, through the accessory ducts. That is called uh, spermiation. That is called uh, spermiation. Okay. Now next... स्पम्प्स आपने पढ़ लिया कि स्पम्प कैसे बनते हैं एंड uh, आपको मैंने ये भी बताया कि स्पम्परटी दे आर लीज एट प्योर्टी अब क्वेश्चन यहाँ पे एराइज़ करता है कि भाई दे आर लीज एट ए बिकॉज यू नो दैट ड्यूरिंग देर दे इंक्रीज़ इन द स्क्रिशन ऑफ गाइडोटॉपिक लीजिंग हार्मोन जब प्यूअर्टी पीरियड आता है जब रिपोर्ट मेच्योर हो जाते हैं तो वहां पर गनाइडोटॉपिक लीजिंग हारमोन वो उनकी स्क्रीशन बढ़ जाती है यू नो गाइडोटॉपिक लीजिंग हार्मोन आर द हाइपोथेलमिक yeah hypothalamic hormones so when the there is a increase in the release of the gonadotropin releasing hormone they act on the pituitary jab ye release honge zyada so they will act on the anterior pituitary when they will act on the pituitary then the pituitary will stimulate the releasing of the two gonadotropins

दे हेल्प इन द स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे ही इंडीट्री वहां पे जो है प्यूबर्टी में होंगे रिलीज तो जो वो इंडियो रिलीज कर देगी एंड एंड और LH क्या करना शुरू कर देगा वो लीडिंग सेल्स के ऊपर जो है वो एक्ट करना शुरू कर देगा और उसके बदले में जो है वहां से क्या रिलीज हो जाएंगे एंड्रोजन जैसे ही एंड्रोजन निकलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी और दूसरा जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है दैट एक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल्स आपको बताया था सर्टोली सेल्स को न सेल्फ भी बोलते हैं क्योंकि वो उनको स्पर्म सेल्स को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं सो वालिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेटोलिस नेक्स्ट स्ट्रक्चर नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म जो ह्यूमन स्पर्म होता है दैट कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट्स हेड नेक मिडिल पीस एंड टेल क्या क्या होता है उसमें हेड नेक एंड मिडिल पीस एंड टेल ये देख रहे हैं आप ये हेड है और ये आपकी नेक है और ये बीच वाला जो पोर्शन है ये मिडिल पीस है और ये क्या है टेल है दिस इज

सो दीज माइट्रोकोन्डी प्रोवाइड द एनर्जी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्प एंड द टेल इज लॉन्ग बिच हेल्प इन आल्सो मूवमेंट ओके और साथ में यह भी बता दूं आपको यहां पर कि जो आपका है उसमें जो है वो मूवमेंट में हेल्प करता है साथ में ये जो ह्यूमन मेल्ज होते हैं दे रिलीज अबाउट टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड मिलियन स्पम्स

ये फीमेल इंडिविजुअल्स फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गेमीट स्टार्ट ड्यूरिंग एम्ब्रोनिक डिवेलपमेंट स्टेज यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि जो मेच्योर फीमेल गेमीट होता है उसकी प्रोसेस जो है वो ड्यूरिंग स्टार्ट कब हो जाती है ड्यूरिंग द एम्बरिक डिवेलपमेंट ऑफ द फीटल बेबी बताया आपको कि जब मदर प्रेग्नेंट है उसके भूम में अगर फीमेल चाइल्ड जो है डेवलप हो रहा है तो उसकी ओबरी में ही जो है ऊजनेसी स्टार्ट हो जाती है फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज द मिलियन ऑफ द मीट मदर सेल्स और कार्ड उनियाल ओवरी फीटल ओवरी में ही जब बच्चा माँ के पेट में ही है और वो फीमेल बच्चा है तो उसकी बॉडी में जो है वो फीमेल जो है, जो है, जो है, जो है, जो है जो गमीट मदर मतलब सेल्स बन जाते हैं जिनको हम ओगोनिया बोलते हैं और फिर क्या होता है जब वहाँ पे भीटल ओवरी में जो फीमेल गमीट बन जाते हैं वो ओगोनिया बन जाते हैं फीमेल गमीट मीनस ओगोनिया बन जाते हैं सो so, उसके बाद no uh, जो है नो मोर ओगोनिया आर एडिड आफ्टर वर्थ उसके बाद जो है बर्थ के बाद जो है उसके बाद कोई और ओगोनिया नहीं बनते जितने भीटल ओवरी में बनेंगे उतने बनेंगे दीज उगोनिया स्टार्ट डिवाइडिंग एंड देंटर इन टू द प्रोफेज वन ऑफ द मियोसिस डिवीजन वो वहीं पे फिटल ओबरी में ही जो है उनका उगोनी की जब वो म्योसिस स्टार्ट हो जाती है और वो प्रोफेज वन स्टेज तक पहुंचते हैं कि वहां पे म्योसिस लॉक हो जाती है सो दैट एंड प्रोफेज वन ऑफ द डिवीजन एंड गेट टेम्परेरी अरेस्टेड एट दैट स्टेज कॉल प्राइमरी ओसाइट एक बार फिर अब क्या है कि जो आपका सेकेंडरी फॉलिकल है दैट सून ट्रांसफॉर्म्स इन टू द ट्रशरी फॉलिकल फॉलिकल किस में चेंज हो जाएगा कैंडी फॉलिकल विल चेंज इन टू द ट्रस्टी फॉलिकल विच इज करेक्टराइज बाई द फ्लू फील्ड कैविटी कार द एंट्रम उसके बीच में कैवटी होती है जिसको क्या बोलते हैं एंट्रम इसमें दो लेयर्स होती हैं सेल की एक एक्सटर्नल होती है एक इंटरनल होती है जो इंटरनल लेयर होती है उसको बोलते हैं थीका इंटरनाल और बाहर वाले लेयर को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जो आपका प्राइमरी साइड जो है विद इन द ट्रस्टी फॉलिकल आपने क्या देखा अभी तक वो प्राइमरी ही है विद इन द ट्रस्टी फॉलिकल ग्रोज इन साइज अब इसके अंदर जो ये ऊ साइड था प्राइमरी इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ग्रोज इन साइज एंड कम्प्लीट द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन क्योंकि पर आपने देखा कि ओवरी में वो वो प्रोफेज में जो है लॉक हो गया था उसके बाद क्या आनी है मेटा फेज बनानी है एना फेज बनानी है टीलो फेज वन वो सारी प्रोसेस जो वो मेचोरग्राफिन फॉलिकल के बीच में जो प्राइमरी ऊ साइड प्रेजेंट है उसके बीच में वो डिवीजन सारे कंप्लीट होंगे इट इज एन अनिकवल डिवीजन जब वो डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पर जो है क्या होगा एक ला, लास्ट साइड का साल बनेगा जिसको बोलेंगे स्कैंडियू साइड Okay, बोलेंगे इसको, और एक जो है छोटा सेल बनेगा जिसको बोलेंगे पोलर आप देखेंगे यहां पर बन, बन बोल स्कैंड okay? चेंज हो गया स्कैंड्रियोसाइट में स्कैंड्रियोसाइट जो है वो उसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म तो हो जाता है वो लार्ज साइज का हो जाता है अब क्या होगा टर्शरी फॉलिकल जो है वो फर्दर उसकी जो है चेंज होता है उसके स्ट्रक्चर में